वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हमारा एक विज़िट था, हमें बहुत सारी शादियां अटेंड करनी थी तो इसलिए हम आउट स्टेशन जा रहे थे, तो इसके कुछ क्लिप्स मैं आपको दिखाती हूं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। जी तो सबसे पहले मैंने अपनी छुट्टी अप्रूव करवाई है, मैं अपना लीव परफॉर्म ऑफ कर रही हूँ। अगर ये अप्रूव नहीं होती तो मैं जा ही नहीं सकती थी। मेरा पहला स्टेप ये था कि अप्रूवल ऑफ हॉलीडे। ये मेरी कुछ हेयर एक्सेसरीज हैं जिसको मैंने एक जगह करके रखा, और ये फॉर्मल वॉचेस एंड रिंग्स, ये कुछ छोटी छोटी ज्वेलरी है जिसमें कैजुअल और फॉर्मल दोनों शामिल हैं, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ सेफ्टी पिन। ये सब जो है वो मैं एक जगह एक ही पाउच में जो है वो डाल के रखूँगी, ताकि मुझे जब ज़रूरत हो तो मुझे इधर उधर कोई सी भी चीज़ें जो है वो छाननी ना पड़े और मुझे इजीली मिल जाए। ये मुझे आज तक कभी भी पैकिंग करनी नहीं आई, या जब भी मेरी पैकिंग का वक्त होता है और मैं सिर्फ वीडियो बना रही होती हूँ। ये थोड़ा सा खाना जो है वो सफ़र के लिए था, तो ये प्रिपेयर हो गया था, बहुत ही यम्मी लग रहा था। कोई नहीं यार, पहुंच जाएंगे, डिले है ट्रेन। माय गॉड, ये सामान छत तक सामान है गाड़ी। चले अल्लाह पाक देखते हैं। फाइनली हम लोग स्टेशन पहुंच गए थे और हमारा सामान इतना था, बहुत सारा सामान था कि सांस भी नहीं आ रहा था हमें गाड़ी में। बजरंगी भाईजान में कराची से लोग अंदरूनी मुल्क अपनों में ईद मनाने जा रहे हैं। हम शादी मनाने जा रहे हैं अपनों में, शादी मनाने जा रहे हैं। कैमरामैन चांद नवाब स्टूडियो। इधर आ जाओ। फाइनली एग्जिट टाइम पे ट्रेन आ गई थी। सामान देखें, सामान दिखा दे लोगों। ये बेचारे चाचू लगे हुए हैं, नजर ही कुछ नहीं आ रहा बेटा। वो वाली चल रही है, हमारी चल रही है। बिल्कुल शार्प टाइम पे जो है वो हमारी ट्रेन जो है वो चल गई थी फॉर्चुनेटली। और ये तो सारा बंद हो गया आगे, खराब था बहुत। फाइनली बिल्कुल रात हो गई थी और जो वीडियो में रेड रेड अपनी लाइटिंग नज़र आ रही है। देखिए हमारा खाना स्टार्ट होने वाला है। ये दाव की प्लेट, ये काम सही है, बारिश रेडी होने वाला तो यहाँ पर इतना गंदा स्टेशन था, इतना मैसी था, इतना शोर था, यहाँ से मुझे चक्कर आने स्टार्ट हो गए थे शदीद वाले।
हैदराबाद ताजू चाय भी रहे फाइनली अब सुबह हो गई थी और हम जो है वो अपना नाश्ता कर रहे थे तो ये इतना क्लियरली विजिबल नहीं है। वाह जबरदस्त पराठे मजे मजे के पराठे। और यहाँ से जो है वो हमें ठंड का एहसास हो गया था कि पता चल गया था कि हाँ कोई विंटर सीज़न भी होता है क्योंकि कराची में सिंध में बिल्कुल सर्दी नहीं थी, थोड़ी बहुत थी रात के टाइम पर लेकिन यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा थी। कोई भी शख्स यहाँ बगैर स्वेटर के बगैर शॉल के नज़र नहीं आ रहा था। उसके चार पीस करके इसमें रख ले, चार पीस कर ले उसके, चार पीस करके अंदर रख ले वाले या क्या वाले हो गया बस मेरी गिलास पे रखने वाली जय नाश्ते जी। ये देखें कुछ फोटोशूट हो गई। चल हम एक स्टेशन पर उतरे थे, वहाँ हमने थोड़ी पिक्चर्स ली और थोड़ा एंजॉय किया, खाया पिया और फिर दोबारा से जो है वो हम नेक्स्ट स्टेशन के लिए जो है वो मूव ऑन हो गए थे। यहाँ से पूरा पंजाब स्टार्ट हो गया था, हरे भरे खेत, ठंड, धुंध, बहुत ही ऐसा लग रहा था वेदर बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा था। अपनी गाड़ी खाने में यहाँ से वीडियो बना ये हमारे चाचू चाय लाते हुए ये लोग सफर में इतने थक गए हैं कि बैठे बैठे सो रहे हैं। यहाँ हम ओकाड़ा पहुँच गए थे और थोड़ी देर यहाँ ट्रेन रुकी थी। चल पड़ी है यहाँ पे ट्रेन हमारी, चल पड़ी है, चल पड़ी ट्रेन, ओकाड़ा रुकी नहीं, रुकी भाभी के तो हम जाके उस स्टेशन पर नसीब भाई को बुला लेंगे ना, अंदर आओ अपनी बहन को उठा लो। बजा बना रही है ये हमारी ट्रेन की विसल हो गई थी और ये अंकल भागते हुए आ रहे थे, सारे ब्लैंकेट जो है वो रैप अप कर रहे थे क्योंकि लाहौर आने वाला था फाइनली। हाँ ना बना ली इस लड़के की बना ली सबसे ज़्यादा। हम लाहौर पहुँच गए थे और जाते ही सबसे पहले हमने जो है वो लंच किया, इतने मज़े का खाना था। खाने से फ्री होकर उसके बाद मैंने बच्चों के कमरों का विज़िट किया तो ये देखें सब बिजी थे अपने अपने मोबाइल्स में, थोड़ी हेलो आई बता दिया मैंने।
नहीं, 4 बजे निकलूंगी। फिजा आप ही, अच्छा फिजा समझ गया मैं, कहीं ये भी जानती है फिजा। हम रात को जाकर तुमकी वीडियो बनाते थे, वो जो आते हैं उठाने के लिए वो ढोल लेते हैं। हमें जो आई थी वो बहुत बहुत बुरा काम चली, चलो वो आई नहीं। का एक सना का और एक मरियम का, माशाल्लाह बहुत प्यारे। अब जो इन लोगों को पसंद हो वो आपका है, वो कि मैंने बड़े साइज कर लिया। नहीं माशाल्लाह सारे प्यारे वाले, बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि बच्चियाँ एक दूसरे ने कर दिया रहती है ना। सही बात है। ये सारे गिफ्ट्स खुल रहे थे जो फोपो ने सबको दिए थे। इसमें कुछ ड्रेसेस थे, बेडशीट्स थे, कुछ हेयर एसेसरीज थे, ये सारे गिफ्ट्स हैं। और ये देखें कितना मज़ेदार सूजी का हलवा था, बहुत ही यम्मी। मुझे ना बहुत शौक है सारी वीडियोस वगैरह बनाने का, हर चीज़ की। लेकिन वो ऊपर अच्छी अच्छी आई ना, पूरी अच्छी लगती है ना वीडियोस में। बहुत अच्छा बनाया, ये क्रिस्पी होता है ना तो अच्छा लगता है। मेरा भी लेके आना इसमें। नहीं नहीं सिर्फ ये आ रहा है। अच्छा नहीं जी, अब मेरी वीडियो इख्तिताम पर पहुंची, बिल्कुल एंड हो रहा है। ये हमारा रूम था, मैं ऊपर सोने के लिए आ गई थी और ये बाहर का व्यू था जहाँ कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था, पूरा अंधेरा था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।